नीतीश कुमार ने आखिर अपने ही मंत्री के गर्दन को क्यों पकड़ लिया? पहली नजर में क्या लग रहा है? चौंकिए नहीं, जो आपको लग रहा है खबर लिखने वाले को भी पहली नजर में यही लगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अलग अलग वजह से सुर्खियों में। विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर पहल करने वाले नीतीश कुमार कभी जनता दरबार तो कभी अन्य जगहों पर बैठ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो खबरों में बने रहते हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट के मंत्री के साथ कुछ ऐसा कर डाला कि एक बार फिर से सुर्खियों में है और ये वीडियो वायरल है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मॉरिसस के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिव सागर राम गुलाम की जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। पटना में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद नीतीश कुमार जब प्रेस ब्रीफिंग के लिए आ रहे थे, इसी दौरान उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी की गर्दन पकड़कर मीडिया वालों के सामने कर दिया। लोग हक्का बक्का रह गए। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी की गर्दन पकड़कर आगे करते हुए कहा कि हमारे यहाँ भी एक पुजारी है जो टीका लगाती। ब्रीफिंग के लिए खड़े मीडिया कर्मियों में से एक के माथे पर टीका देखकर नीतीश कुमार ने ऐसा किया। नीतीश कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी के साथ जो कुछ किया उसे देख वहां खड़े नेता और दूसरे मीडिया वाले भी हैरान रह गए और खिलखिलाकर हंसने लगे। आपको बता दें कि राज्य के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का एक वीडियो पिछले दिनों भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में अशोक चौधरी भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार को भी इस वीडियो की जानकारी मिली थी। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार अशोक चौधरी के साथ इस तरह से पेश आए। मंत्री अशोक चौधरी के टीका लगाने पर नीतीश कुमार पहले भी कई बार तंज कस चुके हैं और आज जिस अंदाज में उन्होंने अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ मीडिया वालों के सामने किया उसके बाद ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस पूरे वाक्य के दौरान नीतीश बेहद अच्छे मूड में नजर आए और सामने भी खड़े लोग हंसते नजर आए और अशोक चौधरी भी इस घटना के बाद मुस्कुराते दिखे। पटना से शशिभूषण कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।